हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। सो फ्रेंड्स, टुडे इन योर ड्राइंग क्लास आवर सब्जेक्ट इज पिक्चर कंपोजिशन। इन पिक्चर कंपोजिशन वी हैव टू ड्रॉ मेमोरी ड्राइंग। सो एवरीवन, ओपन योर पेज नंबर 17। सो हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स गिवन टू अस, राइट। हियर In these four pictures, how the human figure can be formed is shown. To prepare both human figures, male character and female characters, understand step 1 and step 2 properly. Pictures can be drawn easily by studying them. So friends, यहाँ पे जो examples दिए हैं, that will help you how to draw memory drawing and specially human figure. So friends, here you have to study forms, right? So अगर आप first female देखो तो यहाँ पे she is in walking action, right? और उसने सिर पे भी कुछ सामान उठाया है, right? तो first number 1 आप देखो तो बहुत ही simple lines के साथ यहाँ पे drawing किया है। आप देखो तो first head, right? Then उसका एक हाथ, उसकी पोजीशन देखो आप, दूसरा हाथ जो स्ट्रेट है, देन अपर बॉडी पोर्शन एंड लोअर बॉडी पोर्शन, राइट। देन आफ्टर नंबर 2 में डिटेल्स दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी करो तो नंबर 1 सारे जो पिक्चर्स है उसमें आप देखो तो बहुत ही सिंपल ड्राइंग के साथ आपको समझाया गया है दैट यू हैव टू जस्ट पुट एन एक्शन, राइट। तो जो भी वर्क कर रहे हैं या फिर आपको जैसी भी एक्शन दिखानी है ह्यूमन फिगर की, आपको बहुत ही सिंपल लाइन ड्राइंग के साथ स्टार्ट करना होता है एंड देन आफ्टर आपको उसको डिटेल्स देनी होती है। तो आप अच्छे से ये सारे पिक्चर्स स्टडी करोगे। अगर आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, तो अगर ये एग्जाम्पल ले तो आपको जस्ट फर्स्ट एक ओवल के साथ स्टार्ट करना है फेस के लिए, देन बॉडी पोर्शन, अपर बॉडी पोर्शन लाइक दिस, और फिर ये ह्यूमन फिगर थोड़ा सा झुका हुआ है, राइट। जस्ट ऐसे ही आपको फर्स्ट स्टार्ट करना है। अब देखो बहुत ही इजी है, राइट। सो बच्चों, मैं भी आपको यहाँ पे दो चार स्केच करके दिखाऊंगी अलग अलग एक्शन में, ठीक है। सो सपोज वन लेडी इज गोइंग विथ पॉट। सो अगर पानी भरने जा रही है, ऐसे आपको दिखाना है। तो फर्स्ट ऐसे आप सिंपल ड्राइंग कर सकते हो। तो ऐसे कुछ सिटिंग पोजीशन में वर्किंग ह्यूमन, फन बॉय,
सो बच्चों, आपको भी ऐसे अलग अलग एक्शन में ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस करनी है एंड दिस फोर फिगर्स यू विल ड्रॉ इन योर स्केच बुक. नाउ ओपन योर पेज नंबर 18. हियर द पिक्चर ऑफ अ फार्मर गोइंग टू फार्म इज गिवन. स्टडी स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर मेकिंग द पिक्चर ऑफ द फार्मर. आफ्टर दैट स्टडी द पेंटिंग ऑफ द पिक्चर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पिक्चर कंपोजिशन है उसमें अ फार्मर गोइंग टू अ फार्म उस पर ड्राइंग किया है. इन दिस पिक्चर कंपोजिशन यू कैन सी देर आर ट्रीज, हट ऑल्सो देर, राइट, सन, अ स्मॉल हिल एंड पाथ इज गिवन टू यू, राइट. नाउ फ्रेंड्स, इन नंबर 1 यू कैन सी द सिंपल एक्शन फिगर ड्रॉन, राइट. तो आप देखो, जैसे एक हाथ इसमें ऐसे है, जो हाथ की पोजिशन है उस हिसाब से यहाँ पे ड्राइंग किया है, राइट. एंड बहुत ही सिंपल पोजिशन है. उसके बाद यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड देखो तो बैकग्राउंड भी बहुत ही सिंपल है. कलरिंग भी आप देखो तो स्काई में येल्लो, और आप देखो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ट्री में ग्रीन के साथ पिंक कलर भी यूज़ किया है, राइट. सो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट. जैसे ब्लू कलर भी है. पेड़ में आप देखो तो यहाँ पे जो छोटा सा ट्री बनाया है उसमें भी आप देखो तो येलो एंड ब्लू कलर का यूज़ किया है. यहाँ पे पैटर्न्स भी बनाई है, राइट. सो थोड़ा सा ये क्रिएटिव टाइप का पिक्चर कंपोजिशन है. बिकॉज आप सन देखो तो सन में भी फेस बनाया है, उसके रेज देखो तो उसको भी अलग से डिज़ाइन किया है, राइट. तो बच्चों, आपको पेज नंबर 19 पे ब्लैंक स्पेस पे फार्मर गोइंग टू फार्म ड्रॉ करना है. सो यू हैव टू जस्ट कॉपी इट, राइट. सो मैं भी यहाँ पे आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगी. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वन फ्रेम, राइट. नाउ फ्रेंड्स, आप चाहो तो मेजरमेंट लेके भी कर सकते हो, तो आप स्केल से या फिर आप देखो तो आपकी पेंसिल का यूज भी कर सकते हो. तो ह्यूमन फिगर की जो हाइट है दैट यू कैन टेक, ओके. सो आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो. सो ह्यूमन बॉडी की हाइट होगी जो इतनी होगी, राइट. सो बच्चों, अगर आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है तो आप हर एक पोर्शन का ऐसे मेजरमेंट ले सकते हो. आप चाहो तो स्केल का भी यूज कर सकते हो, राइट. आप विड्थ भी ऐसे ले सकते हो, ओके. सो आई एम स्टार्ट विथ फर्स्ट सिंपल ड्राइंग. सो फर्स्ट हेड, सो जैसे नंबर 1 में आपको दिया है ऐसे जस्ट आपको फर्स्ट स्केच करना है. दूसरे हाथ की पोजीशन कुछ ऐसे आपको बनाना, राइट. तो ऐसे फर्स्ट सिंपल स्केच करेंगे, देन हम धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करेंगे.
Then after next question. Then after extra lines, you can drop. So here human figure is ready. Now you can put background. If you want, you can change the shapes, okay? सो फ्रेंड्स आई होप कि आप भी ऐसे पिक्चर कंपोजिशन कंप्लीट करोगे विथ कलर्स. ओके, तो आपको यहाँ पे पोस्टर कलर्स का यूज़ करना है. नाउ फ्रेंड्स इन रिविजन वर्क यू हैव टू विजिट farm and observe it carefully, right? On the basis of observation, now you enjoy the fun of drawing the picture of a farmer in the farm. Use your art book for this. So friends, आपको यहाँ पे farm में जाना है और farmers वहाँ पे कैसे काम करते हैं उनकी action को observe करना है और आपको उसका sketch करने की try करनी है, right? So I hope आप
रिवीजन वर्क ज़रूर से कंप्लीट करोगे और स्केचेस करोगे. एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू सब्जेक्ट. थैंक यू.